नीचे करो ना फोन, रोहित फोन नीचे कर। साइलेंट। बड़ी बात है कि आप बिग बॉस मराठी के बाद आपको लगता है कि आगे बढ़ा देंगे अपने बहुत अपन भाई साइलेंट हो जाना है। कि मंडली का कोई चिंता नहीं चाहिए ब्रो, फिर मंडली का छुट्टी आती है ताली चक्का आवाज और क्या। हमेशा ये लगा था कि रोहित शिव वर्सेस प्रियंका होगा, लेकिन इस सभी के लिए सरप्राइज था शिव वर्सेस टैन। पर मुझे से लगता है शिव और प्रियंका अच्छे प्लेयर थे, एमसी स्टैन वो अच्छा इंसान था और उसने ट्रॉफी के लिए कभी खेला ही नहीं, तो शायद वो चीजें थी। मैं हमेशा बोलता था कि यहाँ पे शायद अगर यहाँ पे सच्ची में जो गेम के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा हूँ एमसी, तो मेरे को डिजर्व करता है और उसका हक है उस पर। और अभी जो प्यार करते हैं ना लोग, मेरे को पता है कि हमें साथ में एमसी स्टैन जो बाहर शायद था मुझे नहीं पता था वो पर्सन कैसा था, इसीलिए हमारी दोस्ती हुई और मुझे लगता हक है उसको पता, इसलिए कि वो मंडली का हिस्सा। तो मुझे लगता है कि दोस्ती हम सब यहाँ पे अभी जितने भी लोग घर जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे जो दोस्त होता है उसमें गलत नहीं होता है। और मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं अच्छे लोगों के साथ था और वो दोस्ती जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेगी। यार मंडली है ब्रो, तो मेरे को कोई गलत नहीं लगता उसमें। और वो होता है कि गेम के लिए ग्रुप बनाना और एक ग्रुप बन जाना, तो मेरे जितने बंदे हैं अपन से लेके साजिद सर, एमसी, नम्या, सुम्या, ये लोग अपनी अपनी छाप छोड़ चुके हैं और मेरे को मजा है इनके साथ। शिव आपका जिस तरह मराठी का गेम था वो काफी अलग था, हिंदी वाला गेम काफी अलग था, वो कितना आपके फेवर में गया है? मुझे ऐसा लगता है कि मराठी में लोग अलग थे, मेरे रिएक्शन अलग थे, हिंदी में लोग अलग थे, रिएक्शन अलग थे। कैसे होता है, लोग जैसे रहेंगे वैसे रिएक्ट करेंगे ना, सवाल जैसे होता है वैसे जवाब मिलेगा। तो मेरा पहले दिन ऐसे था कि मुझे उंगली नहीं करना है बट मैं सहन नहीं करूँगा ब्रो, मतलब अगर आप कुछ ऐसे जो फास्ट आप दोगे वही फास्ट मैं आपको दूंगा। पर मेरे को मज़ा आया और सब कंडीशन सही थे इसलिए वो फिल्म भी हिट हो गई पूरी। अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि अर्चना से लेके अब्दू भी, साजिद सर भी, श्रीजिता भी, यहाँ पे एक भी नहीं होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता जो एक्सटेंड हुआ, मुझे पता नहीं अभी तक, बट इतना तो है मज़ेदार गया है और सबको प्यार मिल रहा है, काम मिल रहा है सबको। आपको क्या काम मिला शिव? आप जल्दी आपको क्या मिला शिव? आपको खिलाड़ी के ये रिवील हुआ है, क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली मतलब जो रियलिटी शो करता है उसका तो एक होता है कि बाबा तेरा अगर पापा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, देखो रास्ता ऐसे ही बनाना पड़ता है कि आपको रियलिटी शो थ्रू एक्टिंग में आपको थोड़ा बहुत काम मिले। और अभी इसके बाद रियलिटी शो कौन जाएगा खतरों खिलाड़ी, अगर वो मिला ही तो भाई चला और उधर भी वाट लगाएंगे सब। मराठी सिंगल नहीं करना वो मराठी, ऑब्वियसली जो मिट्टी से हम निकलते वो तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, बट एक होता है ना कि आप महाराष्ट्र से निकले हो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम तो करेंगे बट आपको इंडिया भी जाने यार ये तो सपना। लोगों के सहारे से मतलब मंडली के सहारे से आगे तक आई है, आपने एक स्टेटमेंट दी थी बिग बॉस को कन्फेशन रूम के अंदर, तो क्या आप उस बात को रियली मानते हैं कि वो उसको सपोर्ट करके वो इतना आगे आई है, उसका अपना कोई गेम नहीं था? मुझे लगता है 10-12 बार अगर वो नॉमिनेट हुई है तो उसमें एक बार बचाया होगा मंडली ने, 10 बार बचाया वो लोगों ने बचाया ना, तो लोगों ने क्यों बचाया, मतलब उसका गेम अगर अच्छा नहीं लगता है। बट एक होता है कि वो 18 साल की थी उसको उसी के लिए लिया गया था, अगर वो शिव ठाकरे जैसी बिहेव करती तो सुम्बुल नहीं होती या प्रियंका जैसी करती तो सुम्बुल नहीं होती। मुझे लगता है जो कैरेक्टर या जो पर्सन जिस चीज़ के लिए तो उसने उसका किया, जनता को पसंद आया इसलिए उसको 10 या 12 बार मेरे से ज़्यादा बहुत बार नॉमिनेट हुए हो पर बची है उसका हक है। शिव स्टैंड का कहना है कि जब वो अपने साथ स्टेटमेंट अपनी मंडली के किसी मेंबर को के लिए देना सही था? मंडली के लिए स्टेटमेंट देना, मंडली के मेंबर के लिए स्टेटमेंट देना, अगर मंडली है और वो सच्ची में हक से बोलता हूँ तो मेरे साथ वाले फ्रेंड है उनके लिए मैं अगर स्टेटमेंट दूंगा, नहीं दूंगा तो गलत होगा ना यार, दोस्ती निभाता भी नहीं है, इसको निभाना भी नहीं आता है जब